चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। पहले सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा नायक वाला एक्शन किया है। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने सबसे बड़ा एक्शन करते हुए एक ही दिन में 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। एक साल से पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ खबरें अभी तक से खास, बातचीत में गृह मंत्री अनिल विज ने अपने इस एक्शन की पुष्टि की है। 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। खबर अभी तक से खास बातचीत में अनिल विज ने अपने इस एक्शन की तस्दीक की। निलंबित होने वाले 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स में से अंबाला के 30 ऑफिसर निलंबित किए गए। गुरुग्राम में 60 है इनकी तादाद। करनाल में 31 आईओ सस्पेंड किए गए हैं। जींद में 24 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। सिरसा में 66 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। और यमुनानगर में 57 ऑफिसर्स का सस्पेंशन किया गया। रोहतक में सस्पेंडेड ऑफिसर्स की तादाद 31 है। कुल 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स का सस्पेंशन किया गया है गृह मंत्री की तरफ से। इनमें फरीदाबाद के भी 32 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स शामिल हैं जिन्हें निलंबित किया गया। तो नायक वाले किरदार में नजर आए गृह मंत्री अनिल विज, और इतनी बड़ी तादाद में शायद इतिहास में पहली बार है जबकि 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को एक साथ सस्पेंड किया गया। बता दें आपको कि पिछले एक महीने से पेंडिंग मामलात को लटका कर रखा था इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स ने, और इसी लापरवाही को देखते हुए बड़ा एक्शन लिया है सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने। तो 372 आईओएस को सस्पेंड करने के मामले में बड़ी कार्रवाई पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोग धक्के खा रहे हैं, केसेस का निपटारा नहीं हो रहा, ये गंभीर मामला है। 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही संबंधित डीएसपी अब एक महीने में इन सभी थानों में पेंडिंग केसेस का निपटारा करें। सुनते उन्होंने क्या कहा। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूं बार बार, और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3,229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें एक साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है, 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं, इस हिदायत के साथ कि एक महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर सकते हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के सस्पेंशन से जुड़े मामले को लेकर यह मुलाकात हो सकती है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले विज से चर्चा करेंगे डीजीपी। तो चर्चा कर सकते हैं डीजीपी गृह मंत्री अनिल विज के साथ। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है गृह मंत्री की तरफ से। हरियाणा में 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर सकते हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। फरीदाबाद में भी आईओएस पर गाज गिरी है। फरीदाबाद में भी विज का एक्शन नजर आया। फरीदाबाद में 32 आईओएस सस्पेंड किए गए। लापरवाह इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को यहां सबक सिखाया गया। तो
फरीदाबाद में भी 32 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। गृह मंत्री ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसके तहत 32 फरीदाबाद के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स का भी नाम शामिल है उस लिस्ट में, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। इधर यमुनानगर में भी आयोज पर गाज गिरी है। यमुनानगर में भी विज का एक्शन दिखा है। यमुनानगर में 57 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स सस्पेंड किए गए। लापरवाह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को सबक सिखाया गया है गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। यमुनानगर में इनकी तादाद 57। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बड़ा एक्शन लिया है सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने और इसी के तहत 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है प्रदेश भर में। इनमें यमुनानगर के भी 57 ऑफिसर शामिल। तो अहम खबर दे रहे हैं आपको, आज गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। कल उन्होंने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 372 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया।